हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज है। अब कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को वीडियो एनिमेशन या फिर वीडियो कंटेंट द्वारा जो है पढ़ाया जाएगा और उनको वीडियो लेक्चरर जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आइए आपको डिटेल्स में दिखाते हैं क्या है पूरा अपडेट। तो अपडेट में आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ई कंटेंट 18 विषयों के लेक्चर जो है वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट है। तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को नए शिक्षा सत्र से पढ़ाई के लिए ई कंटेंट उपलब्ध होगा। प्रदेश में यह पहला मौका है जब प्रोफेशनल तरीके से तैयार वीडियो छात्रों को मिलेंगे। शुरुआती तौर पर 18 विषयों का चयन किया गया है। इनसे संबंधित विषयों के व्याख्यान विभाग की जो है वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। छात्र को अगर अपने विषय में किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसे जो है ई कंटेंट द्वारा दूर किया जा सकेगा। इस काम में जो है कम से कम 300 से ज़्यादा स्टाफ को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट को वीडियो कंटेंट जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसी के माध्यम से जो है यहाँ पर अपनी स्टडी को जो है जारी रख सकेंगे। तो इसके बाद आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं, 6 भागों में बटेगी प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र की हर इकाई। यानी कि आप जानते हैं कि जैसे कि सिलेबस में आपको इकाई बाय इकाई देखने को मिल जाती है, एक इकाई में कई सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अब आपकी एक इकाई जो है 6 भागों में डिवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिन्हित विषयों में से प्रत्येक प्रश्न पत्र की हर इकाई को मुख्य रूप से 6 भागों में डिवाइड किया जाएगा। इसमें प्रत्येक भाग में 30 से 40 मिनट का व्याख्यान होगा, यानी कि आपको 30 से 40 मिनट का जो है वीडियो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक व्याख्यान में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, फोटो आदि का उपयोग किया जाएगा। तो यानी कि आप जो वीडियो देखेंगे, जो भी वीडियो कंटेंट, उसमें आपको प्रेजेंटेशन, ठीक है, पावर पॉइंट, एनिमेशन, फोटो सभी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें और आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। तो इस प्रकार से आपकी अब पढ़ाई की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। तो वनस्पति, प्राणी शास्त्र, रसायन, भौतिक, गणित, यानी कि आप देख सकते हैं बोटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगर्भ, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान साइंस, न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग और वाणिज्य संख्याय के जो मुख्य 3 विषय हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपको टोटल 18 विषयों के जो है लेक्चर वीडियो कंटेंट में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, ई कंटेंट तैयार करने के पहले संबंधित शिक्षकों को NITTR द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। शुरुआत में 18 विषयों को शामिल किया गया है, बाद में अन्य विषयों को भी जो है जोड़ा जाएगा। इस तरह का काम पहली बार हो रहा है। चंद्रशेखर बालिम्बे, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग। तो आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जो है जारी किया गया है। और यहाँ पर अब आपको छात्रों को जो पढ़ाई कराई जाएगी वो वीडियो कंटेंट द्वारा कराई जाएगी। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ई कंटेंट 18 विषयों के लेक्चर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस न्यूज़ को। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शेयर की है। तो आप इसे रीड कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स इसमें देख सकते हैं। आई होप के फ्रेंड आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद।